नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सर से कांग्रेस नेत्री मोहिनी मुलेखी ने भाजपा का थामा दामन। दिल्ली सरकार में डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान पहुंची लालकुआ, जनसभा को किया संबोधित। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कुंदन सिंह मेहता ने प्रचार किया तेज। निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान जनता के बीच जाकर ले रहे आशीर्वाद। मसूरी के समीप खाई में गिरी कार, एक युवक की हुई मौके पर मौत। विधानसभा झबरेड़ा में धरने पर बैठे भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल। और अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा की विधानसभा सल्ट में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस नेत्री मोहिनी मुलेखी ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है, जो कि पिछले 32 साल से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। आज मैं यहां कुमालेश्वर में भ्रमण पे आया था, अपना प्रचार में लगा हूं, और अचानक ही हमारे तल्ला सल्ट की कांग्रेस की प्रसिद्ध कार्यकर्ता है मोहिनी मुलेखी जी, उन्होंने यहाँ आकर हमें ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को के में शामिल होने के लिए आग्रह किया। और उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनसे मैं तंग आकर, और अपना इतने साल मैंने जो कांग्रेस को अपनी जवानी से जब वो पढ़ती थी तब से वो कांग्रेस में शामिल थी। आज यहाँ पर ये भाजपा की मुख्यधारा में महेश जिन्हा जी के अंतर्गत इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे लगा कि जहाँ पर मैं 32 साल से कांग्रेस में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने हमारे हर बात में अनदेखी करी। जहाँ पर हमने चाहा कि जिस उम्मीद और भरोसे से हम उनके साथ लगे थे, तो उन लोगों ने हमको इस समय बिल्कुल हाशिए पर लाके छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ जहाँ तक रणजीत रावत जी एक विकास के नेता हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने अपने एक राजनीतिक गुरु जो हरीश रावत जी ने उनको आगे उंगली पढ़ के चलना सिखाया, आगे बढ़ाया, उनको झटका मार रहे हैं, उनको आने ही पूछ रहे हैं, तो हम क्या चीज है। दिल्ली सरकार में डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान लालकुआ पहुंची और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके कई युवाओं को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया, साथ ही भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाने साधे गए। कुछ भी गलत है क्योंकि इस देश का जितना भी वीआईपी है, जब वो जनता के माध्यम से चुनकर जाता है, चाहे वो विधानसभा में जाए चाहे वो लोकसभा में जाए, तो पहले दिन से ही उनको बिजली, पानी, गाड़ियाँ, फोन के बिल सब कुछ मुफ्त मिलता। अगर इस देश के वीआईपी को मुफ्त मिलता है तो जनता उनसे ज्यादा बड़ी वीआईपी, क्योंकि वो उन्हें जो है चुनकर भेजती है। तो जो जो फैसिलिटीज इस देश के वीआईपी को, नेताओं को मुफ्त में मिलती है, आम आदमी पार्टी का ये लक्ष्य है कि वो सारी की सारी फैसिलिटी इस देश के लोकतंत्र में जनता को दिलवा कर रहे। लालकुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कुंदन सिंह मेहता ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। कुंदन सिंह मेहता जो कि पूर्व फौजी हैं, उन्हें अन्य पूर्व फौजियों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। मैं जनता का आशीर्वाद मिला तो बिंदुकता राजस्व गांव का प्राथमिक मुद्दा होगा, और अन्य क्षेत्रों में जो भी कच्चे गांव बसे हुए हैं उन सबको मालिकाना हक दिलाने का मेरा प्राथमिकता होगा, और खत्ते वासियों के लिए पूरा प्राथमिकता से काम होगा। जो भी सरकार की ओर से उनको योजनाएं मिलती हैं और उनका मालिकाना हक का है, बिजली, पानी, सड़क, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं खत्तेवासियों के लिए, ये मेरी प्राथमिकता में होगा। और तटबंधों का के लिए नदी किनारे जो भी कटाव हो रहा है यह मेरा प्राथमिकता में होगा। इसमें चेकडैम बनाना वगैरह, और रोज़गार नवयुवकों के लिए, जो रोज़गार के लिए इन लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं, तो इसमें मैं जितने भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर शिटकुल खुले हुए हैं उनमें सब नवयुवकों को पूरा जो 70% का रोजगार का है उसको पूरा रोजगार दिलाने का प्रयास करूंगा। लालकुआ से निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान जनता के बीच जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस मौके वह अपनी सीधी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत से बता रहे हैं। देखिए, मैं विधानसभा के बारे में 2004 में जब 2002 में पहला जब चुनाव हुआ था तब से मैं लोगों के सामने रूबरू हूँ। जब माननीय गोविंद सिंह जी पहली बार चुनाव लड़े थे
प्रमुखता से मैं सबसे आगे था, और इसलिए जब वो हारने के बाद दोबारा जीते तब भी मैं ही था संयोजक के रूप में। मैंने सारी समस्याओं को यहाँ से लेकर चोरगलिया तक देखा है, जूझा है। मैं बाढ़ में पानी के अंदर घुसा हूँ, और ये जहाँ जिस क्षेत्र में आए हुए, क्षेत्र वास्तव में बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत पीड़ित है ये लोग। इनको जिस तरह का लाभ सरकार दे रही है वो नहीं मिला है, ये बहुत ही मतलब एक कष्ट की बात है। मैं आज गोलापार गोजाजाली क्षेत्र पर रिलोड होते हुए मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ तक आने के बाद में लोगों ने मन बना रखा है कि पवन चौहान को कप प्लेट के निशान पर मोहर लगाकर, बटन दबा करके। मसूरी के पास एक कार के अचानक खाई में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये दिल्ली के पर्यटक थे, बासा घाट हाथीपाँव के पास इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, सड़क से नीचे गिर गई, और जिसमें दो लोग सवार थे, एक महिला एक पुरुष। महिला को तो पहले रेस्क्यू कर मैक्स हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था, लेकिन जो पुरुष थे उनकी हालत बहुत सीरियस थी, उनको उनके परिजन फिर बाद में उठा करके और मैक्स हॉस्पिटल ले गए। दिल्ली के पर्यटक हैं और दिल्ली नंबर की इनका वाहन है। हाँ, संभवतः उसमें एक की मृत्यु हो गई, अभी हम उसमें मैं क्लियर कह नहीं सकता, लेकिन सीरियस काफी है। विधानसभा झबरेड़ा में विधायक देशराज कर्णवाल धरने पर बैठ गए हैं। इस मौके उनका आरोप है कि नगर पंचायत द्वारा जारी किए गए नोटिस में उन्हें निवर्तमान विधायक लिखा गया है। 21 तारीख को रात्रि में 5 बजे के बाद रात के समय ईओ मंगलोर, ईओ रुड़की झबरेड़ा के द्वारा चेयरमैन नगर पंचायत के दबाव में यहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक का बोर्ड, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी स्टैचू का बोर्ड, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी स्टैचू का बोर्ड, महात्मा ज्योतिबा फूले स्टैचू का बोर्ड, और नगर पंचायत के अंतर्गत अनेकों मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बोर्डों को उखाड़ा गया। और बोर्डों को उखाड़ा ही नहीं गया, मैं बाहर था उस दिन, मैंने वीडियो देखी है उस दिन, तो वीडियो में आ रहा था कि बोर्डों पे जो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिखा था, बोर्डों पर जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी और महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम लिखे थे, उनको पैरों से रौंदा गया, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए। ये एक जानबूझकर चेयरमैन और ईओ नगर पंचायत के द्वारा की गई हमारे महापुरुषों की बेइज्जती है। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहें एवन उत्तराखंड। और अब मुझे दे इजाजत, धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म दी दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है, फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर, कब्ज़ तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज़ तो छुटकारा पाने लई आ गया कब्ज़ हर चूरन। कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।